हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 चैप्टर डिस्कस करें हम लोग पाइथन फंडामेंटल्स। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स के पार्ट्स। हमने न्यूमेरिकल्स आपको बता दिया था, आज हम लोग उसके पार्ट्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है आपका इंटीजर लेटर्स। इंटीजर लेटर्स आप ध्यान समझेंगे इसको, ठीक है। इंटीजर लेटर्स क्या होता है? इंटीजर लेटर्स आर होल नंबर्स। इंटीजर लेटर्स आर होल नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शन पार्ट। मीन्स इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं होगा। समझ में आया आपको? मतलब कोई भी फ्रैक्शन पार्ट नहीं होगा, मतलब एक परफेक्ट वैल्यू होगी विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। क्या है? नॉट यूज डेसिमल पॉइंट, मतलब इसमें डेसिमल पॉइंट यूज नहीं होगा। एग्जांपल में देखिए, जैसे हमने लिखा है यहां से 12, कोई डेसिमल वैल्यू है इसके अंदर? डेसिमल पॉइंट है इसके अंदर? नहीं है। तो ये क्या है? इंटीजर लिटरल है। अब आप प्लस भी लगा सकते हैं, 20, माइनस भी लगा सकते हैं, 50, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं इंटीजर लिटरल्स के। समझ में आया? इसके बाद अगर देखिए, अगर फ्रैक्शन पार्ट है, अगर कोई फ्रैक्शन ऐसे दिया, मान लो दिया है यहां पे 1/5, तो ये क्या फ्रैक्शन पार्ट है? जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 0.2 ये तो मिलेगा, लेकिन इसमें क्या आ रहा है? डेसिमल पॉइंट आ रहा है। तो ये इंटीजर नहीं है, मतलब जो भी फ्रैक्शन पार्ट होगा वो इंटीजर नहीं होगा विदाउट एनी फ्रैक्शन पार्ट। मींस अगर आप देखेंगे 10/5, इसका 2 आएगा, लेकिन आप 2 नहीं लिखेंगे, 2.0 होगा इसका। क्या होगा? 2.0, मतलब कोई भी फ्रैक्शन पार्ट होगा वो हमेशा डेसिमल पॉइंट ही वैल्यू डिफाइन करेगा, ठीक है। मतलब 2.0 होगा इसका आंसर, ठीक है। समझ में आया? तो ऐसे डिफाइन करेंगे। तो ये चीज क्या है? ये फ्रैक्शन पार्ट्स में आते हैं, तो ये इंटीजर लिटरल्स नहीं है। इंटीजर लिटरल्स क्या है? ये इंटीजर लिटरल्स है, ठीक है। अब देखिए, इंटीजर लिटरल्स के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है डेसिमल इंटीजर लिटरल्स। आपको पता, आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम। डेसिमल में क्या होता है? इसका बेस क्या होता है? 10। बेस क्या होता है? 10 मींस इसमें वैल्यू इंक्लूड होती है 0 to 9। इसलिए अगर 0 से लेकर 9 तक काउंट करेंगे तो 10 वैल्यू होगी। तो इसका बेस कितना होता है? 10। मतलब वैल्यू कहां होगी? 0 to 9 कोई वैल्यू यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे ऑक्टल इंटीजर लेटर्स क्या होगा? इसका बेस क्या होगा? 8। इसमें जो डिजिट है 0 to 7 होगी। क्या होगी? 0 to 7। यहां पे हेक्साडेसिमल, इसका बेस क्या होगा? 16। इसमें वैल्यू होगी 0 to 15, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लो 12 लिखा होगा, 12, तो ये क्या है? डेसिमल इंटीजर लेटर्स, मतलब डेसिमल इंटीजर लेटर्स। अगर यही हम चीज लिखेंगे किसमें? ऑक्टल में, तो हमेशा याद रखना उसका क्या होता है? 0 और 0 होता है। क्या लगाया जाता है पहले? 0 और 0। इसमें क्या लगाया जाता है? 0 और x, ऑक्स। क्या लिखेंगे? 0x, और इसमें क्या लिखेंगे? 0 o, ठीक है। ये इसका है ऑक्टल का, ठीक है, और ये किसका है? हेक्सा का, 2x, 0x, 0x, ठीक है, 0 o, ठीक है। अब देखिए, ये दे रखा है डेसिमल इंटीजर लेटर्स में 12। अब आपको कन्वर्ट किसमें करना है? अब इसको हम ऑक्टल में कैसे चेंज करेंगे? तो सिंपल से आप इसका बाइनरी चेंज कर लीजिए। कैसे चेंज? बाइनरी बना लीजिए इसको, बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे हमने बाइनरी बनाया यहाँ पे 12, यहाँ 2 दिया, 0 6 0 3 1 1, और तो ये आ गया इसका बाइनरी। क्या आया? 1 1 0 0, बेस 2, क्योंकि बाइनरी है, ठीक है। अब इसको ऑक्टल में चेंज करना है, तो हमने बताया था आपको ऑक्टल में ये कितनी डिजिट एक्सेप्ट करता है? 3 डिजिट्स, और ये 4 डिजिट्स,
ठीक है, लेकिन काउंट कहां से करेंगे, राइट टू लेफ्ट। देखिए थ्री है तो वन टू थ्री, अब यहां पे वन बचा, हम लोग क्या करेंगे यहां पे, यहां पे टू जीरो बढ़ा देंगे, तो ये हो गया। ये किसकी वैल्यू होगी, फोर की, और किसकी होगी, वन की। ठीक है, एक टेबल में बता, टेबल होती है उसको आप याद करने के लिए बहुत आसान होगी सॉल्व करना। जैसे ये जीरो से लेके वन तक, जीरो फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन, तो क्या होगा, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। ठीक है, अब कोई वैल्यू है नहीं, या जीरो और बढ़ा देंगे, वन जीरो जीरो वन जीरो वन 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 जीरो वन वन वन, अब आगे और बढ़ा देंगे, इधर जीरो 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 ये है जीरो से लेके फिफ्टीन तक। अब देखिए जीरो से लेके सेवन तक तो कौन यूज करता, ऑक्टल है, और जीरो से लेके पूरा कौन है, ठीक है। लेकिन ये जो चीज है इसको क्या बोलेंगे, ए, इसको बोलेंगे बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि टेन है तो हम लोग वन जीरो भी बोल सकते हैं, इसकी वजह से हमें क्या करना, ए लिखना पड़ेगा टेन की जगह, तो हम समझेंगे टेन है। ठीक है, हेक्साडेसिमल होगा केवल में, इसमें होगा हेक्साडेसिमल में। तो देखिए फोर वन जीरो जीरो किसका है, देखिए वन जीरो जीरो फोर का है, तो देखिए फोर आ गया। जीरो जीरो वन किसका है, जीरो जीरो वन, ये जीरो जीरो वन, इसका आंसर क्या होगा, ओ जीरो ओ फोर्टी। तो ये किसमें चेंज हो गया, ऑक्टल में चेंज हो गया। अगर हम ये इसी को, क्योंकि ये कितने डिजिट लेता है, थ्री डिजिट, ऑक्टल कितने डिजिट ले रहा है, थ्री डिजिट ले रहा है देखिए, और हेक्सा फोर डिजिट लेगा, तो हम अगर इसको हेक्सा को, हमें ट्वेल्व को अगर हेक्सा में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे इसको हटा दीजिए जितना था, देखिए यहाँ खुद ही फोर ही है, ठीक है फोर डिजिट है, देखिए जीरो जीरो वन वन, तो ये किसका है, फोर्टीन का ही तो है, देखिए फिर ट्वेल्व का है ना, ट्वेल्व का है, किसका है, ट्वेल्व, देखिए ट्वेल्व, देखिए यहाँ पे ये ट्वेल्व वन वन जीरो जीरो, इसकी जगह क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, तो इसका ऑक्टल क्या होगा, देखिए जीरो एक्स सी, तो ये इसका होगा, ठीक है ट्वेल्व समझाया, तो ऐसे हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, इंटीजर लेटर्स क्या हो गया, इंटीजर लेटर्स आर होल नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शन पार्ट नॉट यूज डेसिमल पॉइंट, तीन टाइप के दे रखे हैं, डेसिमल ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ठीक है, आपको समझना केवल इतना है कि इसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट यूज नहीं होगा और फ्रैक्शन पार्ट तो बिल्कुल यूज नहीं होगा, इसी को कहते हैं इंटीजर लेटर्स। समझाया जी, इंटीजर लिटरल्स। देख इसमें मेरा सेकंड है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, सेकंड सेकंड क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स आर आल्सो कॉल्ड रियल लिटरल्स, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स और क्या बोलते हैं, रियल लिटरल्स, रियल लिटरल्स आर हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट, क्या होती है, फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं, तो आप समझ सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट क्या होंगे, जिसमें डेसिमल पॉइंट यूज होगा, क्या होगा, यूज डेसिमल पॉइंट, यूज डेसिमल पॉइंट,
ठीक है, डेसिमल पॉइंट यूज होगा, ठीक है। दीज मे बी रिटेन इन वन ऑफ द टू फॉर्म, इसके दो, एक है एक ही, इसके दो फॉर्म होंगे। फर्स्ट क्या होगा, फ्रैक्शन फॉर्म, सेकेंड होगा एक्सपोनेंट फॉर्म। अब फ्रैक्शन फॉर्म्स क्या होते हैं, जिसमें हमने बताया था कि डेसिमल पॉइंट यूज होगा, वो था फ्रैक्शन फॉर्म। जैसे हमने अभी बताया था, जैसे हमने लिया 50/5, 50/5 क्या आएगा 10.0, ये हो गया, -20.4 हो गया, +30.8 हो गया। तो ये क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म है। क्या है ये, फ्रैक्शनल फॉर्म, आप देख सकते हैं इस टाइप से ये हम लोग यूज करेंगे इसको, ठीक है। अगर आपको दिखता है कहीं भी डेसिमल पॉइंट यूज हो रहा है वैल्यू में, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म, यानी फ्लोटिंग वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है, क्या बोलेंगे, फ्लोट वैल्यू। अगर आप सोचते हैं फ्लोट वैल्यू क्या होती है, तो क्या आप कह सकते हैं कि डेट वैल्यू यूज इन डेसिमल पॉइंट, एनी वैल्यू कैन यूज डेसिमल पॉइंट, जो वैल्यू है उसको क्या यूज करेंगे उसमें, डेसिमल पॉइंट, उसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म, यानी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स बोल सकते हैं। फ्लोट वैल्यू क्या है, अगर हमने लिखा 40.2, तो ये क्या फ्लोट वैल्यू है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट यूज हुआ, सिंपल सा है। अब जैसे आप ऐसे ही ले सकते 7 पॉइंट, ये गलत हो जाएगा, उसको क्या लगे 7.0, या फिर आप 0.3 ले सकते, यानी 0 लगानी 0.3, तो ये क्या करेक्ट है, समझाई चीज है, ये चीज है फ्रैक्शन फॉर्म। आप इसको ध्यान समझिए, ये एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होता है, अ रियल लिटरल्स, रियल लिटरल्स इन एक्सपोनेंट फॉर्म, इन एक्सपोनेंट फॉर्म। अब देखिए, ये ऑफ कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक्सपोनेंट जो होता है वो दो फॉर्म में, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट क्या होता है, मैंटिसा, क्या बोलेंगे, मैंटिसा, एंड सेकेंड होगा एक्सपोनेंट, ये फर्स्ट होगा, ये सेकेंड, मतलब दो पार्ट में डिवाइड होगा, फर्स्ट होगा मैंटिसा, सेकेंड होगा एक्सपोनेंट। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसको कैसे समझे हमने, देखिए जैसे मान लो कोई वैल्यू दे रखी है 0.58, क्या दे रखा है 0.58, आपको पता ही कैसी वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म वैल्यू है। अब इसको कन्वर्ट किसमें करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या, सिंपल सा है, इसे करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका ये है, अगर ये है 0.58 ये है, अगर हमने डेसिमल हटाया यहाँ से तो 1 डबल ये हो जाएगा, मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 58.0 × 10⁻²⁻²² लिख सकते हैं। अब देखिए, ये तो फॉर्म में हो गया, अब मुझे एक्सपोनेंट में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 58.0e के बाद −02, तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंट। जो e है ये क्या डिवाइड करेगा, एक इधर एक इधर, जो e के जो लेफ्ट, e के जो राइट में है, मतलब ये जो चीज है इसको बोलेंगे क्या, मैंटिसा, और ये इसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट। ये जो पावर है, राइज ऑफ पावर, -2 है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे में इसको क्रिएट कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 0.58 यह है, इसको लिख सकते, अगर आपने यहाँ पे 100/100 किया, ठीक है, ऐसे किया, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कहाँ चला जाएगा, 0.058 ये हो जाएगा,
इंटू 10 पावर 2। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए 0.058E02। तो ये होगा, ये क्या होगा, मैंडिसा बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया, इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म। और ये लेटर इन एक्सपोनेंट फॉर्म कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, मैंडिसा एंड एक्सपोनेंट। हमने दो तरीके आपको बताए हैं चेंज करने के, बहुत आसान है, देख सकते हैं ई है दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मैंडिसा और एक्सपोनेंट। जो पावर होगी वो क्या, एक्सपोनेंट होती है, जो नॉर्मल डिजिट है उसको क्या बोलेंगे, मैंडिसा बोलते हैं। और मैंडिसा हमेशा डेसिमल पॉइंट में होगी, क्यों, क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट का ही पार्ट है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दोनों देख सकते हैं आप, ठीक है, ये न्यूमेरिकल लेटर्स आपके खत्म हो गए हैं। जो थर्ड बार कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपका अभी नहीं है, वो अगर आगे आएगा तो आपको उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए कल हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, क्या ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू।